हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 58। क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट 2, 5 है, और एक पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं जिसका क्वाड्रेंट है एक्स वाई। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी होगा, और ए बी पर एक पॉइंट जो है सी जिसका क्वाड्रेंट है -1, 2, ये इसे 3:4 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये एम रेशियो एन है, ये आपका यहाँ पे x1 y1 और ये आपका x2 y2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहले इसमें लिख देते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको, कि द पॉइंट सी जिसका क्वाड्रेंट है -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसका क्वाड्रेंट है 2, 5 एंड बी जिसका क्वाड्रेंट है x, y इन द रेशियो 3:4 ये दिया हुआ। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस एन। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू है 3, एक्स टू का है एक्स, एन का वैल्यू है 4, एक्स वन का है 2, बाई में एम प्लस एन यानी कि 3 प्लस 4। फिर वाई एम का वैल्यू है 3, वाई टू है वाई प्लस एन का वैल्यू है 4, वाई वन है 5, बाई में 3 प्लस 4 इक्वल टू में जो क्वाड्रेंट दिया -1, 2। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 8 बाई में 7, 3y प्लस का 9 सॉरी 5 4 20 ना हो जाएगा, 3y प्लस का 20 और y में 7 इक्वल टू में -1, 2। x कोऑर्डिनेट x के, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल करते हैं, 3x प्लस 8 बाई 7 इक्वल टू -1 और 3y प्लस 20 बाई 7 इक्वल टू में 2। इसको ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 8 इक्वल टू -7, नहीं जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू में यहाँ 15 हो जाएगा माइनस का, ले जाएंगे डिवाइड में तो x का वैल्यू -5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 3y प्लस 20 इक्वल टू 14, ये जाकर सब करेंगे तो 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमें x² + y² निकालना है, क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, 25 + 4 यानी 29 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद द वर्टेक्स ए बी सी में, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी इन द टर्म ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 के टर्म में। ठीक है, चलिए हम लोग पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, इसके वर्टेक्स के क्वाड्रेंट दिए हैं x1 y1, यहाँ x2 y2 और ये दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, डी को हम लोग एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिया है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ वर्टेक्स ए जिसका क्वाड्रेंट है x1 y1, बी जिसका क्वाड्रेंट है x2 y2, सी जिसका क्वाड्रेंट है x3 y3 एंड डी जिसका क्वाड्रेंट है x y। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना जी, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। इसका मतलब हो गया कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी।
दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो बी डी के मिड पॉइंट की बात करें तो एक्स प्लस एक्स टू बाई टू वाई प्लस वाई टू बाई टू इक्वल टू में दो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू और वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू। अब इसके बाद एक्स क्वाड्रेंट के वाई क्वाड्रेंट के इक्वल, यहाँ एक्स प्लस एक्स टू बाई टू इक्वल टू में एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई प्लस वाई टू बाई टू इक्वल टू में वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, टू से टू यहाँ कट जाएगा, उधर जाएगा माइनस का, यहाँ एक्स इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन माइनस का एक्स टू और प्लस का एक्स थ्री, या प्लस का एक्स थ्री लिख के माइनस का एक्स टू कर देंगे। और यहाँ से वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा, वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस का वाई टू। तो देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ वर्टेक्स है उसका क्वाड्रेंट आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस का एक्स टू, वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस का वाई टू, ये हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, जिसके यहाँ पे ये एक्स वन वाई वन है, ये आपका एक्स टू वाई टू है और ये एक्स थ्री वाई थ्री है। ये हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन यही ना दिया हुआ जी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि द पॉइंट्स ए जिसका क्वाड्रेंट है एक्स वन वाई वन, बी जिसका क्वाड्रेंट है एक्स टू वाई टू एंड सी जिसका क्वाड्रेंट है एक्स थ्री वाई थ्री आर द वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी की ये वर्टेक्स है। देखिए इसके फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, द मीडियन मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी। अच्छा, ए से जो मीडियन खींचा जा रहा है वो बी सी को डी से मीट कर रहा है। तो जब ये मीडियन है ए डी तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी सी का, तो डी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते ना, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का मीडियन है तो डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट सिंपल है, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, डी का कोऑर्डिनेट निकल गया। फिर क्या कर रहा है ये इसका कोऑर्डिनेट निकलने के बाद क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी। अच्छा, इस ए डी पर एक पॉइंट पी इधर कहीं ले लेते हैं, जो क्या कर रहा है टू रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, टू रेशियो वन में इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। तो अगर हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, m के जगह पे है 2, x2 के जगह पे आ जाएगा x2 प्लस x3 बाई टू, ठीक है, और प्लस का 1 इंटू में x1 बाई में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 इंटू में y2 प्लस y3 बाई टू प्लस 1 इंटू में y1 बाई में 2 प्लस का 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग P का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, ठीक है, ये आ गया। तो हमें निकल गया P का कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। सेम उसी की तरह यहाँ पे भी रेशियो दिया B क्यू कहाँ है, तो ये बी बी ई मीडियन पर है ताकि वो टू रेशो वन में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ थर्ड के लिए देखते हैं, यहाँ मैं फिर से एक ट्रायंगल वही बना लेता हूँ, इस तरह से समझने में आसान रहेगा, एक ही में तीनों मीडियन दिखाएंगे ना, तो थोड़ा आपको देखने में रफ फिगर जो है अच्छा नहीं लगेगा। ये एक्स वन वाई वन, यहाँ बी ले लेते हैं आपका एक्स टू वाई टू और यहाँ सी ले लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अच्छा, इस पर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, बी ई ने दिया था मीडियन, देख लीजिए बी ई, और इस पर क्यू पॉइंट है जो टू रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है,
टू रेशियो वन मिल गए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि बी ई इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब ए बी सी का ये मीडियन है तो लिख सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो ई का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू, ये आ गया एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्यू का क्वाड्रेंट निकालते हैं। नाउ क्यू के क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, एम के प्लेस पर है टू, एक्स वन है, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू और प्लस वन इंटू में एक्स टू बाई में टू प्लस वन, फिर टू इंटू में वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू प्लस वन इंटू में वाई टू और बाई में टू प्लस का वन। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ से टू कट जाएगा, यहाँ भी टू से टू कट जाएगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। चलिए अब ये क्यू के लिए रहा, अब आर के लिए बात करते हैं। तो फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। इसका क्वाड्रेंट देखिए, एक्स वन वाई वन, ये आपका है एक्स टू वाई टू और ये आपका है एक्स थ्री वाई थ्री। अब हम लोग फिर से मीडियन सी एफ लेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये सामने वाले साइड को इस साइड को दो इक्वल पार्ट में, आर मीडियन मिड पॉइंट हो जाएगा और इस पर एक पॉइंट है, सॉरी सी ई नहीं है, सी एफ कह रहा था, आप एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, सी एफ कह रहा था आपके क्वेश्चन में, हाँ सी एफ कह रहा, और इस पर आर एक पॉइंट है जो इसे क्या कर रहा है, टू रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए ना, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सी एफ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एफ का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो अब यहाँ पर अगर हमें आर का क्वाड्रेंट निकालना होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ का क्वाड्रेंट लिख दें, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू इंटू में एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू प्लस वन इंटू में एक्स थ्री बाई में टू, और फिर यहाँ हो जाएगा टू इंटू में वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और प्लस वन इंटू में वाई थ्री और बाई में टू। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ टू से टू यहाँ भी काट देंगे और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ठीक है, तो हमने ये भी निकाल दिया। अब इसके फोर्थ नंबर की बात करते हैं, देखिए फोर्थ नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक्चुअल में है ना, यहाँ देख रहे हैं कि पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर आर कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड है, एक ही जगह पे है तीनों के तीनों पॉइंट। एंड यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज नॉन एज क्या कहते हैं, उसी को ना सेंट्रॉयड कहते हैं जी सेंट्रॉयड। देयरफॉर सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड उसका कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ऐसे हम लोग आगे एक्सरसाइज में भी ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.इन, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।